नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव खबर और मैं हूं आपके साथ अमित नेगी। तो चलिए नजर डालते हैं यूपी की पांच बड़ी खबरों पर, जिन खबरों से आप हैं बेखबर। हरदोई जिले में एक युवती ने प्रेम जाल में फंसकर मौत को गले लगा लिया। आरोप है कि उसके प्रेमी ने सल्फास खाने के लिए उसे मजबूर किया, जिसके चलते पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। मामला माधोगंज थाने के तपनोर गांव का है, जहां नेहा नाम की युवती की पिछले हफ्ते जहर खाने से मौत हो गई थी। परिजनों का आरोप है कि नेहा की शादी अगले महीने की 18 जून को होने वाली थी। नेहा के प्रेमी ने उसके साथ शादी वाले दिन उसके होने वाले दूल्हे की हत्या करने की धमकी दी और उसे शादी करने से मना करने की बात की थी, जिससे तंग आकर युवती ने एक कदम उठाया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। माधोगंज थाना क्षेत्र में 306 का एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें लड़की के परिजनों का आरोप था कि लड़के के बहकावे में आकर के लड़की ने जहर खा लिया था और उसके ऊपर 306 का मुकदमा कायम हुआ था। आज वो गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। संभल में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। मामला थाना रचूरा से अलीगढ़ जाने वाली एक सड़क का है, जहां दरियों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली जिसमें 16 लोग बैठे थे, उसे पीछे से आ रहे तेज रफ्तार वाहन ने अचानक जोरदार टक्कर मार दी, जिससे 8 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई और कुछ लोग घायल हो गए, जिसके बाद घायलों को संयुक्त चिकित्सालय भैजोई पहुंचाया गया और शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। हाँ, रात में आज लगभग 2 बजे एक ट्रैक्टर ट्राली जिसमें दरी लगी हुई थी और मुरादाबाद थाना डेलारी के पास के गाँव के ये रहने वाले थे, बहादुरगंज में। ये बिजनेस पर्पज से ट्रैक्टर ट्राली में दरिया लादकर अलीगढ़ बेचने जा रहे थे। टी पॉइंट जो थाना राजपुरा क्षेत्र में पड़ता है, वहाँ पर किसी अज्ञात वाहन अज्ञात ट्रक द्वारा पीछे से इनको ट्रैक्टर ट्राली को पुश किया गया और ये ट्रैक्टर ट्राली खाई में गिर गई। लगभग इसमें 16 लोग थे इसके अंदर, जो 8 आदमी ट्रैक्टर ट्राली के नीचे दबके वहीं पर ऑन द स्पॉट डेथ हो गई इनकी। उन 8ों को हम लोगों ने मोर्चरी भेजो के लिए भेज दिया गया है, तथा कुछ 5-6 लोग ऐसे थे जो बहल के मामूली चोटिल थे, उनको रजपुरा की सीएचसी में भेज दिया गया वास्तव उपचार हेतु। फैजाबाद जिले में नाबालिग लड़की से दुराचार और हत्या के मामले में आरोपी को दोहरी सजा सुनाई गई। इस मामले में कोर्ट ने दोषी को फांसी की सजा और 40,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। घटना 29 फरवरी 2013 की है, जहां इनायत नगर थाना क्षेत्र के गोड़वा गांव में 10 साल की लड़की के साथ दुष्कर्म कर उसकी हत्या कर दी गई थी। दरअसल आरोप पड़ोसी गाँव के एक युवक पर लगा था। बताया जा रहा है कि स्कूल के रास्ते में आरोपी युवक ने उस नाबालिग लड़की को खेत में खींच लिया और उसके साथ दुराचार के बाद उसकी हत्या कर दी। फिलहाल सबूतों के आधार पर न्यायाधीश भागीरथ वर्मा ने आरोपी गोविंद को फांसी की सजा सुनाई है। मऊ में बिजली विभाग के कर्मचारियों पर बिजली चोरी करने वालों ने हमला कर दिया। मामला नगर कोतवाली क्षेत्र के चांदपुरा मोहल्ले का है। इस बात की जानकारी देते हुए अधीक्षण अभियंता SS प्रसाद ने बताया कि मुख्य सचिव के निर्देश पर पूरे जनपद में बकायेदारों और बिजली चोरी करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी अभियान के तहत विभाग की एक टीम चांदपुरा मोहल्ले में गई थी, जहां वैध रूप से बिजली का प्रयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही थी। इसी दौरान कुछ लोगों ने योजना बनाकर टीम पर हमला बोल दिया, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए, जिसके बाद कोतवाली में 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। फतेहपुर जिले में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां थरियाव थाना क्षेत्र के करनपुर गांव निवासी राजू ने अपनी नाबालिग भांजी को अपनी हवस का शिकार बनाया। दरअसल आरोपी राजू मुंडन समारोह में अपनी बड़ी बहन के घर कमालपुर आया हुआ था, जहां उसने इस घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी राजू को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। फिलहाल खबरों के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव खबर। नमस्कार।